लीजिए जिससे आपको नींद आ जाएगी। बड़ी चिंता है ना तुझे मेरी। जानती है यशो, आज मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गई। बेटा दूर चला गया, पौत्र भी हमें छोड़ के चला गया। एक महाराज का साथ था और अब वो भी। कल सुबह प्रातः मैं निग्रोध वन जाकर बुद्ध से प्रवज्ञ ले लूंगी, भिक्षु बन जाऊंगी। हाँ, मैंने आपको प्रातः बताया तो था, आज प्रातः ही कुछ जेब बन को प्रस्थान कर गए। आप भूल गई, ऐसे भी वो स्त्रियों को दीक्षा नहीं देते। जब परम ज्ञान प्राप्त कर पहली बार कपिलवस्तु आए थे, तब मैंने भी उनसे यही अनुरोध किया था। तब भी उन्होंने यही उत्तर दिया कि जब समय अनुकूल होगा तो वो मुझे स्वयं कहेंगे। तू बुद्ध की पत्नी है, तुझे दीक्षा देने में उसे संकोच हुआ होगा, कोई मर्यादा भी चाहिए होगी। किंतु मैं उसकी मां हूं, मैं और कपिलवस्तु की अनेक स्त्रियां, रेशम त्याग गेरुआ वस्त्र धारण कर जेठवन तक जाएंगे और बुद्ध को ये सिद्ध कर देंगे कि स्त्रियां भी सरल जीवन व्यतीत कर सकती हैं। हमारा ये संकल्प देख बुद्ध हम पर करुणा का हस्त अवश्य रखेंगे, ऐसा मेरा प्रबल विश्वास है। और मुझे मेरी मां के विश्वास पर अटल विश्वास है। ऐसी दृढ़ संकल्पी मैंने कभी ना देखी। दीदी, मैं आपको इस दशा में नहीं देख पाऊंगी। महादेवी आप, भाई महाराज के आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे नहीं रहा, अब क्या आपका हाथ भी हमारे सर पे नहीं रहेगा? इस जीवन में तुम सब जैसे प्रेम करने वाले भाई बहन मिले, तुम्हारा बड़ा उपकार है मुझ पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम धर्म और न्याय का पालन करोगे। ना पुत्री, अश्रु से नहीं, मुझे दीक्षा मिलते ही मैं स्वयं तुझे वहां बुला लूंगी। बुद्ध के साथ ना सही, वो हमारे सामने तो रहेगा। मंगला दीदी, मैं यशो को तुम्हें सौंपती हूं, मेरी पुत्री का ध्यान रखना, उसके मन को कभी चोट ना पहुंचे।
आज से यशो के आंसू मेरे, उसकी सारी पीड़ाएं मेरी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं कभी भी आपका स्थान ले सकती, परंतु ये वचन अवश्य देती हूं कि यशो को अपने दिल से सहज कर रखूंगी। आज से मैं इसकी मां हूं। प्रजापति भी मत की शरण में, हर तरफ बुद्ध की गूंज, बुद्ध बुद्ध बुद्ध। ये अजान चतुर से मैं चिंता करने के लिए, ये उसमें विश्वास करने के लिए। जब लोहा गरम होगा मैं चोट मारूंगा। ये उसमें मुक्ति करने के लिए। युद्ध में केवल तेज धार तलवार ही काम आती है, बिना धार की तलवार का क्या काम है? ये सिंहासन कमाने के लिए। पहले सिद्धार्थ से फिर युवराज सिद्धार्थ से यशोधरा के प्रेमी सिद्धार्थ से। यशोधरा ये तुम्हारे तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए सिद्धार्थ। ये सारे पुष्प मेरी ओर से तुम अपने पास ही रखो, मेरे लिए तो ये एक कमल ही पर्याप्त है। पीड़ा से मुक्ति पाने का ये कोई मार्ग नहीं, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चले आपको परम शांति प्राप्त। नहीं चाहिए शक्ति मुझे, नहीं चाहिए शांति मुझे, गलत शांति से मुझे नहीं चाहिए शांति, नहीं चाहिए शांति। जोश से भयंकर कोई अग्नि नहीं, घृणा से भयंकर कोई जानवर नहीं होता, अविवेक से बढ़कर कोई जाल नहीं होता, लालच से बढ़कर कोई बाधा नहीं होता। ये वाणी मेरी नहीं, ये वाणी वध की। ज्येष्ठ आपको जिस रोग से पीड़ा हो रही वो मन का रोग है, मेरा एक सुझाव मानेंगे?
कुछ दिन के लिए भिक्षुक बनकर बुद्ध के साथ रहे। कुछ दिनों में आपके मन का जल ठीक हो जाए, आप अपने अंदर एक रूपांतरण पाओगे। मन शांत हो। मन शांत होता यदि अजहत शत्रु ने मुझसे विश्वासघात न किया होता। बचपन से लेकर आज तक एक ही जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा मान, तमान, अभिमान, मेरा प्रेम, मेरा प्रथम प्रेम, राजसिंहासन, सब कुछ छीन के तुम तो भगवान बन के बैठ गए सिद्धार्थ। इतने सारे भिक्षु द्वार पर, प्रणाम महादेवी, आप यहां इस दशा में? पुत्र आनंद, भिक्षु बनने का अधिकार केवल पुरुष का तो नहीं, और मुझे इतना तो ज्ञात है कि मुक्ति के मार्ग पर बुद्ध किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। शांति पाने का अधिकार सबको है, बुद्ध ने स्वयं कहा है। धनी निर्धन, छूत अछूत, सब संघ में आ सकते हैं। आशा है स्त्रियों के साथ भेद ना होगा। आप सब आए कैसे? हम सभी कपिलवस्तु से पद यात्रा कर आए हैं। 15 दिन हम रास्ते पर सोए, गांव से भिक्षा मांग खाया, बहुत आशा लिए आए हैं कि हमें निराशा ना मिले। आपने इतने कष्ट उठाए, सुन के पीड़ा हुई, परंतु आप तो जानती हैं कि बुद्ध संघ में स्त्रियों को नहीं लेंगे। क्षमा, पर आपको लौटना होगा। हम बहुत दूर से आए हैं, अब लौटेंगे नहीं, और हमने ये सिद्ध कर दिया कि हम भी भिक्षुक की भांति सब त्याग सकते हैं। हम पर कृपा करो, बुद्ध के पास हमारा निवेदन ले जाओ। हमें हमारे दुख से निवारण केवल इसलिए ना मिलेगा क्योंकि हम स्त्री हैं। हमें भी अधिकार है निर्वाण पाने का। बुद्ध से हमारे लिए विनती करो, हमारे दुख का व्याख्यान करो। जिस बुद्ध के हृदय में सारे संसार के लिए इतनी करुणा है, वो हम पर भी करुणा अवश्य बरसाएंगे। आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं तुरंत बुद्ध के पास जा आपका निवेदन उन्हें देता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि जो बन पड़ेगा करूंगा।
मन में कोई द्वंद्व उठा है आनंद? एक प्रश्न है, क्या स्त्रियों में भी क्षमता है कि वो साधना कर सके, समाधि पा सके, अरिहंत बन सके? कोई संदेह नहीं, स्त्रियों में महान शक्ति। तो संघ के द्वार स्त्रियों के लिए क्यों बंद हैं? शाक्य मुनि, महादेवी प्रजापति अपना सब त्याग कर गेरुआ धारण कर कपिल वस्तु से पैदल चल आपके पास आई हैं। उनके पांव रखते लथपथ छाले पड़े हुए हैं। ये सिद्ध कर कि जितनी यातना पुरुष झेल सकता है उतनी स्त्री भी झेल सकती है। आंखों में केवल एक ही आशा लिए और हाथ विनती से जोड़े कि उन जैसी स्त्रियों को आप दिशा दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि स्त्रियां पूर्ण जीव हैं, उन्हें भी अधिकार है मुक्ति पाने का। हे करुणा निधान, अपनी कृपा का हाथ उन दुखियारियों पर रखिए। सारिपुत्र, अनिरुद्ध, मोगलाना और महाकश्यप को बुलाइए। महादेवी, नहीं, मैंने जल का त्याग किया है। जब तक अद्भुत मुझे दीक्षा नहीं देंगे मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी। आप सबने जो 8 नियम बनाए हैं उससे मैं सहमत हूं। आनंद, तुम जाकर इन नियमों की जानकारी दे दो। यदि आप स्वयं आए तो माता प्रजापति को प्रसन्नता होगी। मैंने और मेरे संघ के विचारशील भिक्षुओं ने आपकी विनती स्वीकार कर 8 नियम बनाए। यदि आप सभी को ये नियम मान्य हो तो आज ही आपको दीक्षा दे भिक्षुनी बनाया जाए। आभार। ये नियम आपको आनंद समझाएंगे। कृपया कर ध्यान से सुनिए। 1, भिक्षुणी सदैव दूसरी भिक्षुणी को सम्मान देगी, चाहे वो आयु में उनसे बड़ी हो या उनसे साधना में अधिक वर्ष लगाए। 2, 3 माह के एकांतवास में भिक्षुणी का समुदाय भिक्षु के समुदाय के निकट रहेगा, जिससे वो भिक्षु से आध्यात्मिक ज्ञान और अध्ययन में सहायता ले सके। 3, माह में 2 बार भिक्षुणी समुदाय किसी प्रतिनिधि के द्वारा भिक्षु को आमंत्रित करेंगी, जो कि तय करे कि उपासना उपवास का दिन कौन सा हो। 4, वर्षा ऋतु के एकांतवास पश्चात भिक्षुनियां पावन के लिए आएंगी। ये दिवस बोधिसत्व का पावन दिन 11वें माह की पूर्णमासी को मनाया जाएगा। इस दिन कोई भी वाद विवाद जो दुर्भाग्य से उठ खड़ा हुआ हो उसका निवारण होगा। इस पावन दिवस भिक्षुनियां अपने आत्म मार्ग के अभ्यास का लेखा जोखा भिक्षुणियों के समक्ष ही नहीं अपितु भिक्षुओं के समक्ष भी रखेंगे। 5, यदि किसी भी भिक्षुणी ने किसी भी नियम का उल्लंघन किया हो तो उसे भिक्षु और भिक्षुणियों के समक्ष ये स्वीकारना होगा। 6, आत्मिक अभ्यास के पश्चात नवदीक्षित को पूर्ण भिक्षुणी बनने के वचन भिक्षु और भिक्षुणियों के समक्ष ही लेने होंगे। 7, भिक्षुणी किसी भी भिक्षु की आलोचना और निंदा नहीं करेगी। 8, भिक्षुणी किसी भी नए भिक्षु को धर्म का ज्ञान नहीं देगी। क्या आप सभी को ये नियम मान्य हैं? हाँ, हमें ये सारे नियम मान्य हैं और हम अंतर मन से इन नियमों का पालन करेंगे। आप बस हमें दीक्षा दे दें। आप सभी भोजन और स्नान करके आइए।
आज ही आपको दीक्षा दी जाएगी। आप सब चिंता ना करें, ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि संघ के संचालन में कोई बाधा ना हो, कोई उपद्रव खड़ा ना हो। इन नियमों का पालन कर हम आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ेंगे। स्त्रियों को आज तक जिस मुक्ति से वंचित रखा गया, वो आज हमें मिलने जा रही है। बुद्ध के इस कदम से हम सभी को मोक्ष में पुरुष के बराबर का हिस्सा मिलेगा। भाते, ये कैसा विरोधाभास? भारतवर्ष के एक कोने में बुद्ध मनुष्य के अंतर्मन को शांत कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी ओर अजात शत्रु मनुष्य के अंतर्मन को युद्ध कर अशांत कर रहे हैं। युद्ध की प्यास में पागल मनुष्य अंत में शांति के मार्ग पर ही आएगा, ये हमारे जीवन में घटित होगा। आनंद रखो सैनिक, धैर्य रखो, जल्दी रखो इसे। वैद्य जी, जल्दी लेप लेकर आइए, कितना रक्त बह रहा है इसका। जल्दी जल्दी, धैर्य रखो सैनिक, धैर्य रखो, रक्त का बहाव जल्द ही बंद हो जाएगा। मैं लौट के युद्ध के लिए जा पाऊंगा ना? अवश्य जाओगे। वैशाली के माथे पे विजय का मुकुट तुम ही पहनाओगे सैनिक। हमारी वैशाली की जीत होगी। हाँ, हमारी वैशाली अवश्य जीतेगी। हमारी वैशाली की जीत होगी। हमारी वैशाली ही जीतेगी। हमारी वैशाली की जीत होगी। हमारी वैशाली जीतेगी। महाराज, हमारे दक्षिणी सैनिकों का एक दल मारा गया है, चारों ओर हड़कंप मची हुई है, सैनिक निराश होकर मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। यदि आप शीघ्र यहाँ से ना निकले तो हमारी हार निश्चित हो जाएगी। आपको शीघ्र ही निकलना होगा महाराज। मानव को क्या हो गया यदु? ये दूसरे की धरती पर मनमानी कर उत्तराधिकार करना, ये लहू की पिपासा कभी मिटेगी क्या? रोना आता है सोचकर कि बुद्ध जैसे विशाल व्यक्तित्व ने, जिसने मगध के जन जन को अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाया, उस युग पुरुष की वाणी क्या किसी ने अंतरात्मा से समझने की कोशिश की? अगर अंतर साथ किया होता तो मगध लहू की होली ना खेलता। मगध के जनजन के हृदय में बुद्ध का संदेश है देवी अम्बा,
पर आजाद शत्रु जो अपने बल के नशे में चूर विवश कर उन्हें युद्ध के मैदान में लाया। एक मनुष्य के अभिमान की पूर्ति के लिए कितने बेबस लोग अपनी जान की आहुति देंगे। देवी अम्बा, हम युद्ध जीत गए, मगध की सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई। वैशाली की जीत हुई। सुनिए, हमारी वैशाली की विजय का नाद का स्वर चारों दिशाओं में गूंज रहा है। अम्बा, वैशाली की जय, 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 वैशाली की जय। गुरु देखो तो, वो वैशाली का सैनिक घायल है, चार जल्दी से उसे ऊपर लेकर आओ। उषा, तुम भी वैद्य जी को बुला के लेकर आओ। तुम्हारी जान पर जो संकट था टल गया है। तुम्हारी वीरता व्यर्थ नहीं गई सैनिक। जिस वैशाली के लिए तुमने अपने प्राण दांव पे लगाए, वो वैशाली, तुम्हारी वैशाली जीत गई। वैशाली, बहुत ही गहरा है और ज्वर भी इन्हें भीषण चढ़ गया है, अतः ये काढ़ा इन्हें चार चार घंटे के अंतराल पर पिलाते रहिएगा। एक दो दिन के पश्चात इन्हें अवश्य ही चेतना आ जाएगी। मुझे आज्ञा दीजिए। आइए वैद्यराज। इनका चेहरा किसी सामान्य सैनिक की जैसा नहीं है, कितना तेज है इनके मुख पे। हाँ यदु, राजसी आभा है इनके मुखमंडल पे। ये कोई सामान्य सैनिक नहीं, ये बहुत बड़े योद्धा लगते हैं, इतना रक्त बह जाने के बाद भी जीवित हैं। तुम जाओ यदु, जब तक इन्हें चेतना नहीं आ जाती मैं इनके पास ही बैठी रहूंगी। इतने दिवस बीत गए, आपका कोई समाचार नहीं आया। तुम्हारे दुख भरे दिन बीत गए यशो, आ गया जेतवन से समाचार। जब सबकी मति जाए मारी तो कौन करे रखवारी। देव, जो समाचार है वो बताओ, अपनी व्याख्या ना सुनाओ। संदेश आया है जेतवन से कि महादेवी प्रजापति को बुद्ध ने दीक्षा दे दी। अब संग में स्त्रियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। मुझे माँ के विश्वास पर अटल विश्वास था और इनके निर्णय पर मैं जीवन भर अडिग रही। सोचते पाया क्या? तुम नहीं समझोगे, अब मेरे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं है, मैं भी भिक्षुनी बन सकूंगी। तुम्हारी वर्षों की तपस्या सफल हुई यशो। अब तो बस माँ के बुलाने की प्रतीक्षा है, मुझे इनका सानिध्य मिलेगा, राहुल और नंद का साथ भी होगा,
मैं भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकूंगी। वाह वाह देवी वाह, सब भिक्षुणियों के साथ में तुम भी एक भीख का कटोरा लेके वहां घूमना। अरे कभी सोचा है यशो, ये ऐश्वर्य ये सुख ये स्मृति त्याग के तुम्हें मिलेगा क्या? इनके दर्शन बहुत बड़ी भूल कर रही हो यशो, चेत जाओ समय रहते। तुम्हें क्या लगता है यदि तुम संघ में शामिल हो जाओगी तो तुम बुद्ध को पा सकोगी? जो खोना था तो खो ही चुकी हूँ और अब कुछ पाने की हृदय में कोई कामना ही नहीं है। तो सुन लो ध्यान से, बुद्ध वहां केवल एक गुरु है, न किसी का पुत्र न किसी का पिता न किसी का पति। सोच लो यशो, वहां ना तो कोई विशिष्ट स्थान होगा और ना ही सम्मान। उठाओ अपनी आंखें और देखो यशो, क्या नहीं है तुम्हारे पास यहां, क्या है जो तुम पा सकती हो? ये राज घराने की देखरेख, ये वैभव, ये ऐशो आराम, सब ठुकरा के एक भिक्षुणी बन के जीना बहुत कठिन होगा यशो। बुद्ध ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और रोग का स्वयं रचयिता होता है, और जिसका प्रमाण आप दे रहे हैं कि कितना रुग्ण है आपका अंतर। और रही बात मेरी, तो एक बात सुन लीजिए, जिसे आप सुख समझते हैं और दुर्भाग्यवश जिसे आपने सदैव धन से तौला, जीवन के परम सत्य को समझने के लिए केवल हृदय के द्वार की आवश्यकता है। तुम्हारे बुद्ध का हृदय सूख चुका है, इतना भर गया है कि उनके प्रेम की नदी चारों ओर सभी के लिए बह रही है। मेरा और उनका क्या नाता है ये तुम नहीं समझोगे, पर फिर भी अंतिम बार आपको समझाने की चेष्टा करती हूं। मेरा और उनका नाता हृदय का है, और केवल इस जन्म का नहीं अपितु कई जन्मों का है। इसीलिए शुरू से ही हम दोनों एक दूसरे को समझ सके। यदि मैं भिक्षुणी नहीं भी बनती तो भी मुझे केवल इस बात का आश्वासन था कि वो यहीं कहीं इसी पृथ्वी पर हैं, और अब जब मैं उनके साथ रहे, भले वो मेरे साथ ना हो, पर मैं उनके आध्यात्मिक मार्ग पर चलूंगी और उन्हें अपना परम गुरु बना सकूंगी। हमारा विवाह साधारण नहीं है जेष, मेरा और इनका विवाह अलौकिक है, जिसे दुनिया की कोई भी दूरी नहीं मिटा पाई। इसकी केश पकड़कर इसे चरणों की दासी न बनाया तो मैं भी हाथ लगाने की चेष्टा भी की तो हाथ काट दूंगी, और ये आंख उठा दोबारा यशो को देखा भी ना आंखें नोच लूंगी मैं। हट जा मेरे रास्ते से भगत रात, हट। यदि यही थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में मार दिया होता तो आज मुझे ये दुर्दिन ना देखना पड़ता। मेरी एक बात दुकान खोल के सुन लेते, यशोधरा वही जाएगी जहां उसका स्वामी है, और यदि तूने कोई भी अनिष्ट चेष्टा की तो रास्ते में मुझे खड़ा पाएगा। यशो मेरी पुत्री है, समझा तू? ढाल बनके मैं खड़ी रहूंगी उसके रास्ते में। जा यहां से, जा।
युद्ध करो, युद्ध करो, शीश दे दो पर अपना विमान मत दो, युद्ध करो कायरो, युद्ध करो, युद्ध करो। सैनिक, भय से क्यों कांप रहे हो? संभालो अपने आप को सैनिक, सैनिक। कौन हो तुम? मैं कहा हूं वैशाली में। वैशाली? मैं तो युद्ध में। वैशाली तुम जैसे शूरवीरों से धन्य है। वैशाली जीत गई युद्ध में और अजात शत्रु पराजित हुआ। सैनिक, हे ईश्वर, दासी, सैनिक ये पी लो। ये घाव कब भरेगा? इतनी आसानी से मैंने भरने नहीं दूंगा। ये घाव भरेगा नहीं तो आपके प्राण को संकट है। मैं इतनी आसानी से मरूंगा भी नहीं। धातिस वर्षा ऋतु शाक्य मुनि हमारे साथ एकांतवास को समय में व्यतीत करेंगे। धन्य होंगे हम जो उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा। सूत्राचार्य क्या बन गए? अपने आप को बुद्ध के बराबर समझते हैं? बड़ा अभिमान है। अब आप भी तो शिलाचार्य हैं, लेकिन आप तो कितने विनम्र हैं। अब देखना, हाथ धोकर बिना गंदा पानी फेंके और नया पानी भरे यहाँ से चले जाएंगे। अरे दो तीन दिन से यही कर रहे हैं। आप शिलाचार्य हैं, सब पर नियम लागू आप करते हैं। आज आप इन्हें रोकिए और इनके आचरण का विरोध कीजिए। सूत्राचार्य रुकिए। महानुभाव, क्या मुझे आपको शीलता का पाठ पढ़ाना होगा? बुद्ध सबको समान समझते हैं, तो नियम भी सब पर समानता से लागू होते हैं। क्या हो गया? खाने के झूठे हाथ धोकर वो गंदा पानी फेंक कर उस बर्तन में नया पानी भरना पड़ता है। मैं भूल गया। दो तीन दिवस से आप हमेशा भूल जाया करते हैं। इतनी तुच्छ बात को इतना तुल क्यों दे रहे हैं? देना पड़ता है क्योंकि यहाँ कोई भी आपका दास नहीं। मैं सूत्राचार्य हूँ। आप मुझे शालीनता सिखाने से पहले विनम्रता सीखिए। सूत्र क्या सिखाए? आप बात करना भी आप सिखाएंगे? आप शीलाचार्य को सम्मान दीजिए। कैसा सम्मान दें? अपने क्रोध पे तो आपका वश है नहीं। शीलाचार्य जी को समय और अवसर का कोई ज्ञान है नहीं। आप शीलाचार्य का अपमान कर रहे हैं। तो वे कौन सा सूत्राचार्य पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं? सूत्राचार्य तो आपके शीलाचार्य से कहीं अधिक गुणी। इनके गुण तो हम देख चुके। आप ईर्ष्या करते हैं मुझसे। मैं क्यों ईर्ष्या करूंगा आपसे? मैं तो केवल आपको आचरण समझा रहा हूँ। आचरण समझाने का ये कौन सा तरीका है? तो क्या करूँ, कोई गलती करता है, आप तो गलतियां दोहरा दिए जा रहे हैं। इसे ये समझ आता है कि सबके लिए आपके मन में समान भाव नहीं है। आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया? यदि आपके मन में समान भाव होता तो आपके बाद में आने वाले भिक्षु को क्या सेवक समझते आप, जो आपकी झूठन उठाए? आपके मन में मेरे लिए बैर है। मैं क्यों बैर पालूंगा? गलती की है तो मान जाइए। गुण तो हम देख चुके। बुद्ध के भिक्षु कहलाते हैं अपने आप को, और इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे। इस तरह का उपद्रव करने से संघ में फूट पड़ेगी और ये बात बाहर जाते हुए कोई समय ना लगेगा। संघ का नाम खराब हो, इससे पहले मैं तुरंत जहां बुद्ध को इसकी सूचना देता हूँ। ऐसी भी क्या बड़ी गलती कर दी मैंने? लो, अब आपको अपनी गलती बड़ी नहीं लग रही? आप कोई पुरानी शत्रुता निकाल रहे हैं मुझसे। आप अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप झूठे। मैं झूठा हूँ? हाँ।
आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा। सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। जोश से भयंकर कोई अग्नि नहीं, घृणा से भयंकर कोई जानवर नहीं, अविवेक से बढ़कर कोई जाल नहीं, लालच से बढ़कर कोई बात।